अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने टेस्ट देखना है वो है सेलिविनॉफ टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले इस टेस्ट का क्या पर्पस होता है कि ये सिर्फ कीटोनिक शुगर के लिए हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जिसका मतलब है हम इस टेस्ट की मदद से कीटोसिस को और एल्डोसिस को सेपरेट कर सकते हैं। ये सिर्फ कीटोनिक शुगर्स के लिए या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या हमारा ऐसा सैंपल कि जिसके अंदर कीटोन शुगर्स या कीटोनिक डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे, ये उनके लिए पॉजिटिव आएगा और इस तरह से कीटोसिस और एल्डोसिस को सेपरेट करने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, इसका हमारे पास प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल बहुत सिंपल है और ये हमारे मोलिशियस रिएजेंट मोलिशियस टेस्ट जो हमने किया था उससे भी बहुत मिलता जुलता है। हमारे पास होता क्या है कि ये अगर आपका वो कार्बोहाइड्रेट सैंपल है जिसमें आपने चेक करना है कि आपके पास कीटोनिक ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये हमारे पास वो हमारे पास सैंपल है, तो इसके अंदर हम क्या डाल देंगे? सेलिविनॉफ रिएजेंट होता है हमारे पास। ठीक है, सेलिविनॉफ रिएजेंट होता है हमारे पास, उसको हम डालेंगे। अब इस सेलिविनॉफ रिएजेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आपके पास होता है HCl, ठीक है, और एक आपके पास इसमें क्या होता है? रिजॉर्किनोल। ठीक है, एक HCl होता है और एक रिजॉर्किनोल। तो HCl की प्रेजेंस की वजह से आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, मैंने पहले भी बताया था, एसिड की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाते हैं? डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट। जब ये डिहाइड्रेट होगा तो ये कैसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? फरफरल्स। ठीक है, सिर्फ हमारे पास जो कीटोनिक फरफरल्स होंगे ना, यानी ऐसे फरफरल के जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगी? कीटोनिक बॉडीज। अगर इसमें हमारे पास क्या होंगी? कीटोनिक बॉडीज होंगी या कीटोहेक्सोसेस होंगी या कीटोनिक डेरिवेटिव्स होंगे, तो तब ही ये फरफरल्स रिजॉर्किनॉल के साथ रिएक्ट करेंगी। जब ये रिजॉर्किनॉल के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये आपको एक कलर दे देंगी। ठीक है, आपको क्या कलर दे देंगी? चेरी रेड कंपाउंड। ठीक है, ये हमें क्या दे देंगी? एक चेरी रेड कंपाउंड देंगी। तो ये हमारे पास जो है वो टेस्ट की पॉजिटिविटी को इंडिकेट करेगा। बहुत आसान सा आपके पास इस टेस्ट का प्रिंसिपल है, दैट इज कि आप अपने सैंपल को सेलिविनॉफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे। सेलिविनॉफ रिएजेंट में HCl और रिजॉर्किनोल है। HCl की प्रेजेंस में आपको पता है कार्बोहाइड्रेट डिहाइड्रेट होकर फरफरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फरफरल जो है, अगर इसमें कीटोहेक्सोसेस होंगी तब ही ये रिजॉर्किनॉल के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा? चेरी रेड कंपाउंड देगा, जिसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है और इसमें कीटोनिक शुगर प्रेजेंट है। फिर वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो सुक्रोज है ना, सुक्रोज है, वो भी ये वाला टेस्ट दे देती है, क्योंकि HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है और सुक्रोज में से क्या रिलीज हो जाता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, सुक्रोज में से क्या रिलीज हो जाता है? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और आपको पता है कि फ्रुक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या देता है? इस टेस्ट को पॉजिटिव दे देता है। टेस्ट बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। हमारे पास होता क्या है कि हम 3 ml, हमारी फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, हम इसमें क्या ले लेते हैं? 3 ml ये रिजॉर्किनॉल रिएजेंट लेते हैं, रिजॉर्किनॉल रिएजेंट लेते हैं, और फिर इसमें 1 ml अपना सैंपल डाल लेते हैं जिसको हमने चेक करना होता है। ठीक है, इसको फिर हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं और बॉयल करते हैं, और उसके बाद इसको क्या करते हैं? कलर को नोट कर लेते हैं। अगर आपके पास चेरी रेड कंपाउंड आया है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, अगर नहीं आया है तो नेगेटिव है, और नेगेटिविटी क्या बताएगी? एल्डो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, कहता है इसको ज्यादा बॉयल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी ज्यादा बॉयलिंग की वजह से आपके पास जो हेक्सोसेस होती हैं वो भी क्या कर सकती हैं? ज़्यादा बॉइलिंग को प्रिवेंट इसलिए करना चाहिए कि ज़्यादा बॉइलिंग जो है वो मे बी एल्डोहेक्सोसेस को भी किस में कन्वर्ट कर दें? कीटोहेक्सोसेस में, और आपके पास कलर कंपाउंड आ जाए और जो है आपकी जो आप इसको करेंगे इंटरप्रेट करेंगे वो गलत हो सकता है। तो इसलिए आपने सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसको बॉयल करना है। किसको बॉयल करना है? 3 ml आपने रिएजेंट और उसमें 1 ml सेलिविनॉफ रिएजेंट और 1 ml अपना सैंपल डालना है, और चेरी रेड कंपाउंड की अपीयरेंस आपको सेलिविनॉफ टेस्ट पॉजिटिव देगी, जिसका मतलब है कीटोनिक बॉडीज प्रेजेंट हैं।